नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त 2020 की शाम सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। फैंस अभी इस खबर से उबरे भी नहीं थे कि इसके कुछ मिनट बाद ही सुरेश रैना ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। रैना के संन्यास के फैसले से हर कोई हैरान रह गया था। रैना ने महज 33 साल की उम्र में संन्यास का फैसला कर लिया। धोनी की उम्र 38 साल की हो चुकी थी और उनके संन्यास का आकलन 2019 वर्ल्ड कप के बाद से ही लगाया जा रहा था, लेकिन रैना आसानी से 2-3 साल और खेल सकते थे। हालांकि संन्यास के पीछे रैना ने सिर्फ इमोशनल पक्ष ही रखा है और इस वजह से और भी ज्यादा हैरानी है फैंस को, क्योंकि वो काफी फिट हैं और बल्लेबाजी भी नेट्स पर शानदार कर रहे हैं। रैना के संन्यास को लेकर टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज और उनके बचपन के दोस्त आरपी सिंह ने बयान दिया है। रैना के साथ अंडर 19 के दिनों से खेल चुके आरपी सिंह हालांकि इस फैसले से ज्यादा हैरान नहीं है। टीम इंडिया के पूर्व गेंदबाज आरपी सिंह ने सुरेश रैना के संन्यास को लेकर अपनी बात रखी है। हाल ही में एक इंटरव्यू में आरपी सिंह ने कहा, जूनियर के दिनों से मैं रैना के साथ काफी क्रिकेट खेल चुका हूं। जहां तक रैना के रिटायरमेंट की बात है तो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत जल्दी यह फैसला लिया, लेकिन मुझे लगता है यह फैसला हर शख्स व्यक्तिगत तौर पर अपनी फिटनेस को देख कर लेता है। उसे पता है कि वो टीम इंडिया में वापसी कर सकता है या नहीं। मुझे लगता है रैना के संन्यास के फैसले से इस बात की भूमिका जरूर रही होगी। रैना ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 2018 में खेला था। वो इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक हैं। 193 आईपीएल मैचों में रैना ने 5,368 रन बना दिए हैं। आरपी सिंह ने कहा, कौन जानता है अगर वो आईपीएल में 1,000 रन बना दें और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के बारे में सोच ले। लेकिन जब आप संन्यास का फैसला लेते हैं तो काफी सोच समझ कर लेते हैं। रैना ने जरूर इस बारे में गहराई से सोचा होगा। हो सकता है रैना देश के बाहर T20 लीग खेलते दिखे, जैसे युवराज सिंह ने किया। इसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगता, मुझे बस उनके अचानक फैसले से हैरानी हुई। कुछ समय पहले वो मुझसे टेस्ट क्रिकेट में वापसी की बात कर रहे थे। आपको बता दें, महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना जल्द ही आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।